इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फरमाया आमिनु कमा आमन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे ये मुट्ठी भर जमात ईमान लाई है। आगे बदबख्तों ने जिस तरह आज भी बदबख्त लोग बातें करते हैं, उस वक्त भी कुछ बदबख्त लोग ऐसे थे जिन्होंने आगे आकर के कहा, क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये नऊज़ु बिल्लाह बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, खबरदार, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, मेरे सहाबा को बेवकूफ कहने वाले खुद अकल से आरी, अकल से पैदल हैं, यही बेवकूफ है। सहाबा किराम की जमात, हत्ता के बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले, किसी मदरसे में दाखिला ना लेने वाले, यूनिवर्सिटियों का नाम ना जानने वाले, कॉलेजों में ना पढ़ने वाले, जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह में बैठे, आज वो दुनिया के इमाम बनकर दुनिया के सामने आए। आपकी तरबियत का ये असर था, आपकी तरबियत का ये असर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने उनकी ऐसी तरबियत कर दी, अखलाकी तरबियत, इल्मी तरबियत, हर एतबार से मसले ऐसे समझा दिए, अकायद के मसाइल, किसी मामले में सहाबा ने कभी किसी से मार नहीं खाई, हमेशा इल्म के मैदान में। आज भी दुनिया उनके हवाले देती है, हमारे लिए सनद वहीं से चलती है, दलील वहीं से चलती है। आजकल की दलील को हम दलील नहीं मानते। आप सीधा जाएंगे सहाबाए किराम से पूछेंगे, सहाबाए किराम नबी का हवाला देंगे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर बताएंगे, हमने अल्लाह के रसूल से सुना था, अल्लाह के रसूल ने ये कहा था। तिब्रानी की रिवायत है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक ताबी आते हैं, आकर के पूछते हैं, अनस मुझे बताइए वुजू करने का क्या तरीका है। वो फरमाते हैं, भाई तेरा सवाल गलत है। वो कहते हैं, मुझे तो सवाल का यही तरीका आता है, अगर आप समझते हैं तेरा सवाल गलत है, पहले मेरे सवाल को दुरुस्त कीजिए, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप फरमाते हैं, तेरे सवाल की गलती ये है, तू मुझसे पूछता है अनस वुजू करने का क्या तरीका है, मैं तुझे वुजू करके बताऊंगा, तू अपने दिल में यही सोचेगा वुजू करने का यही सही तरीका है जो हजरत अनस ने करके दिखाया, फिर पूरी दुनिया में जहां भी जाएगा लोगों को बताएगा, अनस ने मुझे वुजू करने का तरीका सिखाया था, जबकि अनस का तरीका दीन नहीं। सोचिए समझिए, अनस का तरीका दीन नहीं, फिर किसका तरीका दीन है। हजरत अनस फरमाते हैं कि तेरे सवाल में गलती ये है, तू मुझसे पूछ, तेरा सवाल इस तरह ठीक होगा, तू मुझसे पूछ, ऐ अनस तू सहाबी है, मैं सहाबी नहीं, तूने अल्लाह के रसूल को देखा है, मैंने नहीं देखा, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल वुजू कैसे किया करते थे, ये है असल सवाल। अरे अहले हदीसो, अपने सवाल भी दुरुस्त किया कीजिए, उलमा से कभी उलमा की राय ना पूछा कीजिए, उलमा का ख्याल ना पूछा कीजिए, हजरत आपके नजदीक कैसा है, बल्कि उलमा से पूछिए कुरान और सुन्नत इस बारे में क्या कहते हैं, फिर वो आलिम पाबंद है इस बात का कि आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जवाब दे। ये सही सवाल है, अल्लाह के रसूल वुजू कैसे किया करते थे, छोटी छोटी बात में। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने आकर के कहा, ऐ अब्दुल्ला तेरा बाप कहता है कि हज तमत्तो नहीं करो, तुम कहते हो कि हज तमत्तो कर सकते हो, तेरे बाप की माने या तेरी माने,
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی. اے دنیا والوں سن لو، شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی. آج اہل حدیث کی بھی یہی دعوت ہے، لیاری والوں ہماری بھی یہی دعوت ہے، سب کی چھوڑ دو، صرف آمنا کے لال کی مان لو. دنیا میں کسی کی مانو یا نہ مانو، آپ کا ایمان خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے آمنا کے لال کی بات کو رد کر دیا، یقین مانو اللہ رب العالمین روز آخرت نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اللہ اس عمل کو قیامت والے دن قبول کرے گا جو عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے عملی طور پر ہمیں وہ کر کے دکھایا، عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا.